स्थान माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अनरेरी कंसल्टेंट एंड फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। आपने वैश्विक स्तर पर सभी सेक्टर के मानव मात्र को एम्पावर और नेगेटिव मोटिवेट करने के लिए अतुलनीय व सराहनीय कार्य किए हैं, जिससे कि वो जीवन के प्रति पॉजिटिव विजन को अपना सके और नेगेटिव इमोशंस को हील कर सके। आपने 8000 से भी अधिक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विभिन्न वर्गों में दिए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, मेडिकल एसोसिएशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सेक्टर में भी महत्वपूर्ण योगदान देकर इन्हें अध्यात्म जगत से जोड़ने का अहम रोल अदा किया है। तो मैं भाई साहब के लिए चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। सुप्रीम सर्जन सर्वशक्तिमान के संतान हैं आप, इसलिए सबको दिखते हैं भगवान हैं आप। जिस्मानी सर्जन के साथ रूहानी सर्जन हैं आप, लाखों चेहरे पर लाते मुस्कान हैं आप। मैं अब आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आज हमारे भाई बहनों को साक्षी भाव के साथ अचल स्थिति को हम कैसे बनाएं, उस पर हमारे भाई साहब प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। पहले हम खुद को चार्ज करेंगे, फिर मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा। मेरे साथ बहन है शिवमणि, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की, वो आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग कराएंगी। तो खड़े हो जाएं और थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे।
टॉपिक है साक्षी दृष्टा और कैसे हम अपनी स्थिति को बैलेंस में रखें, स्टेबल रखें। साक्षी दृष्टा का अगर कन्वर्शन करें तो उसका होता है डिटैच ऑब्जर्वर। कैसे हम हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में, हर सीन में ऑब्जर्वर बनकर देखें। हम सभी जानते हैं हमारा नाटक चल रहा है। ये 5000 वर्ष के नाटक में हर एक का पार्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जो प्रोग्रामिंग की गई है उसके अनुसार पार्ट खुलता रहता है और हर एक का पार्ट अलग अलग है। मेरा रोल ये है कि उस नाटक में हर एक के खेल को देखते हुए, हर एक सीन को देखते हुए, प्रकृति के 5 तत्वों का खेल देखते हुए उसका इफेक्ट, असर मेरे ऊपर ना आए। इफेक्ट तभी आता है जब कहीं ना कहीं हम खेल में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। इसको आजकल कहा जाता है लेटेस्ट लैंग्वेज में इमोशनली ट्रैप। अपने ही जाल में फंस गया हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ। जो अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया गया, अंदर चला गया पर बाहर नहीं आ पाया, वही अब मेजॉरिटी व्यक्तियों की, आत्माओं की स्थिति हो गई है। और उस जाल में फंसकर हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अभी कई एग्जाम्पल मेरे को मिले, रियल एग्जाम्पल मिले कि कैसे वो ट्रैप में आ गए और फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब ये नए तरीके के ट्रैप फंसते जा रहे हैं, इसीलिए हमारा काम है हर इवेंट को, हर व्यक्ति को, चाहे वो हमारे नज़दीक है, हमारे संबंध में है, जो भी देख रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझूं और उसके अनुसार मैं अपना डिसीशन लूं। साक्षी का अर्थ ये नहीं होता कि मेरे को एक्ट नहीं करना है, मेरे को एक्ट करना है पर रिएक्ट नहीं करना। कई घटनाओं में हमें एक्ट करना पड़ता है पर रिएक्ट नहीं करना है। इसी को बाबा ने कहा विधेयी अवस्था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुरलियों में भी आया। राजा जनक को कही जाता था विधेयी, ट्रस्टी। एक साधु उनके पास आया और साधु को बोला, साधु ने राजा को बोला आप सब काम कर रहे हैं, राजा हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया हुआ है, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर ला रहे हैं, संबंधों को पूरा कर रहे हैं, फिर भी आप कैसे उपराम और विधेयी हो। राजा ने कहा अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इवनिंग में। तब
तब तक आप जाकर महल को देखाओ। राजा जनक ने साधु को एक दिया दिया, बोला महल में अंधेरा है, दिया लेकर पूरे महल को देख कर आना और दिए को बुझने नहीं देना क्योंकि अंधकार है। थोड़ी देर बाद साधु आ गया। राजा ने पूछा, महल देख लिया? साधु ने कहा, महल तो नहीं देख पाया क्योंकि मेरा पूरा फोकस दिए को बुझने में नहीं था, बुझने नहीं दूं उस पर था। राजा ने कहा, वही आपका आंसर है। मैं सब काम कर रहा हूं पर मैं उसमें अनासक्त हूं, अटैच नहीं हूं। दुख का पहला कारण, लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, दुख का पहला कारण होता है कहीं ना कहीं हम उस वस्तु से अटैच हैं, उसको पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और यहां हमें सिखाया गया, सब कुछ करते हुए, कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर रहना है, कर्म करना है, कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कर्म को और अच्छा करना है। पर कर्म के रिजल्ट और कर्म से अटैच नहीं होना है। मैं जब काम करूं 100% करूं, परफेक्ट करूं, पर उसका रिजल्ट क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। इसी को कहा गया कर्मातीत। कर्म का आदि, बिगनिंग, फ्यूचर, रिजल्ट, उससे मैं अटैच नहीं हूं। और आज सबसे बड़ा तनाव का कारण, कोरोना के टाइम भी देखा, रिजल्ट कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस हो गया है। लोग अगर एक्शन नहीं करते हैं तो खाली खाली फील करते हैं। अभी मैं कुछ प्रोग्राम्स में गया था, वहाँ की भाई बहन भी कह रहे थे, जब कुछ सेवा होती है तो अच्छा लगता है और जब सेवा नहीं होती है तो अंदर से खालीपन लगता है। वो लास्ट में तकलीफ देगा। सेवा हो या ना हो, एक्शन हो या ना हो, मैं साक्षी होकर अपने को देख रहा हूं, मैं अपने विचारों को देख रहा हूं, संकल्पों को देख रहा हूं, अपने बोल को देख रहा हूं, अपने कर्म को देख रहा हूं। और उससे मेरे को जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो ना हो रहा है। आजकल बीमारी का मुख्य कारण इमोशनल स्ट्रेस है, भावनात्मक तनाव है। 90% बीमारी का कारण आज इमोशनल स्ट्रेस है और उसी के कारण जेनेटिक म्यूटेशन होता है और उसी लिए ब्रेस्ट कैंसर 1 कैंसर हो गया आज पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, उसके कारण कैंसर भी बढ़ते जा रहे हैं। तरह तरह के नेगेटिव प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं। कहीं भी बच्चा फेल हुआ या किसी ने कुछ कहा
तो बच्चा नेगेटिव कर रहा है। ये समय ऐसा है जब मैं हर घटना को, इवेंट को साक्षी होकर देख रहा हूँ, एज ए डिटैच ऑब्जर्वर। जैसे मैं मूवी में जाता हूँ, फिल्म देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। कल भी मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड का, लोग देख रहे थे। उस मैच से मैं अटैच नहीं हो रहा हूँ। मैच का रिजल्ट क्या होता है उससे मैं अटैच नहीं हूँ। नहीं तो कई लोगों को मैच देखते देखते हार्ट अटैक हो जाता है। और अब पिछले 3 सालों में यंग हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। 24 से 30 साल वालों को हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकली फिट है, सब कुछ ठीक है, सडन हार्ट अटैक होते जा रहे हैं। एक राज्य में अभी प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश के एक इकोनॉमिक के प्रोफेसर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाकर यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। एक दिन जब वो बाहर आए
देखा कोई, देखा कई लेडीज फिशेस बेच रही हैं। उन्होंने उनसे पूछा, आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं? लेडीज ने कहा 200 रुपये 500 रुपये। आप दिन भर बैठे रहते हैं, बाकी पैसा कहाँ जाता है? बोला, जिससे हम नेट खरीदते हैं जाल, उसका कर्जा देने में जाता है। अगले दिन प्रोफेसर ने अपनी टीम को भेजा, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे के बाद ये निकला, अगर हम इनको लोन दे दें जिससे कि ये अपने जाल का पैसा, नेट का पैसा रिटर्न कर दें, तो इनकी इनकम अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे प्रोफेसर और उसकी टीम ने बांग्लादेश में माइक्रो बैंक खोले। इस माइक्रो बैंक का एम एंड ऑब्जेक्ट था छोटा छोटा लोन देना, 1,000 रुपये 5,000 रुपये 10,000 रुपये, और विदाउट एनी गारंटी। धीरे धीरे उनका ये मॉडल पूरे बांग्लादेश में चल पड़ा और कई कंट्रीज ने इसको एडॉप्ट किया, और इसके कारण प्रोफेसर को 2006 में नोबल प्राइज मिला। क्या सीक्रेट था प्रोफेसर का? उनका काम था पढ़ाना और जाना, पर वो किस सीक्रेट से मैच जीत गए? ऑब्जर्वर। ये बहुत बड़ा लीडरशिप का कैरेक्टर है। अगर मैं कहूं पहला कैरेक्टर आज के समय एक अच्छे लीडर का है, एक है डिसीशन पावर, निर्णय शक्ति, और दूसरा है ऑब्जर्वर। अगर मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, चाहे फ्लाइट में हूँ या ट्रेन में हूँ या बस में हूँ या क्राउड में हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, और मैं उनके प्रॉब्लम को समझकर ठीक कर रहा हूँ। मोहम्मद शरीफ, एक बाइसिकल मैकेनिक, कई डेड बॉडीज लोग छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने धीरे धीरे 25,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कराया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया। वो व्हीलचेयर पर आए अपना अवार्ड लेने। अब आप देखें, उसका काम था बाइसिकल मैकेनिक, पर क्या किया? ऑब्जर्वेशन। जितना भी मैंने सीखा, मेरा भी सीक्रेट यही है ऑब्जर्वेशन का। जब कॉन्फ्रेंसेस होती थी, शुरू की बात है, लोग बाहर आते थे हॉल से, कॉन्फ्रेंस हॉल, हम उनके बीच में घूमते थे क्लास के बाद, लेक्चर के बाद, और बीच में नॉर्मल घूमते थे। लोग बात करते थे कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। उससे सीखने को मिला, और स्ट्रेटजीज में, टूल में, टेक्निक में बदलते गए। ऑब्जर्वर देखता है, सुनता है। अगर मैं साक्षी हूं अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को,
मिक्स नहीं कर रहा हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, पूरा खेल वहां से शुरू हुआ, उसने कहा था, डू नॉट सी द थिंग्स एज यू आर, सी द थिंग्स एज दे आर। हर घटना को आप अपनी आंखों से मत देखो, हर घटना को जो घटना जैसी है वैसी देखो, तो तब आगे बढ़ते रहेंगे। जिसको कहा गया नॉन जजमेंटल, मैं किसी भी घटना को किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर रहा हूं और उसमें अनवांटेड एंट्री नहीं मार रहा हूं। साक्षी का अर्थ है एंट्री तभी करूं जब आपकी रिक्वायरमेंट है, बिना कारण से किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं जब तक वो मेरे से पूछ नहीं रहे। जितनी आप सलाह दोगे उतना माइंड प्रोग्रामिंग खोलेगा, और आज का समय ऐसा है लोग सेंसिटिव हो गए हैं, लोगों का नेचर हो गया टच मी नॉट, मेरे को बोलना नहीं, मेरे को करेक्ट नहीं करना। करेक्ट तभी करें जब वो बच्चा या वो व्यक्ति पूछ रहा है आपसे। अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखें तभी मैं लीडर हूं। तो कभी भी बिना कारण से किसी के अंदर घुसना नहीं, जब जरूरत है मैं बोल रहा हूं, जब जरूरत नहीं है साइलेंट। आज जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी मैंने देखा नुकसान, कई तरह की घटनाएं रोज, उसका कारण देखा कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ने बोल दिया। 90% प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है, यहां से। ये वोकल कार्ड है, भगवान ने वोकल कार्ड दिया है हेड से हार्ट से बीच में, इसीलिए भगवान ने बीच में लगाया है। जब बोलना हो सोच कर बोलो, जब बोलना हो प्यार से बोलो। दो मीठे बोल अगर किसी को बोलते हो और उसको वो मोटिवेट कर देते हो, वो भी ब्लड डोनेशन है। एक ब्लड डोनेशन ये है, एक ब्लड डोनेशन ये। लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी की, लोगों को जरूरत है सपोर्ट की। अगर हम उनको सपोर्ट देते हैं बिना उसको देखकर, तो हम आगे बढ़ते हैं। उस समय मैं ये नहीं देखता ये कौन है। बाबा के एक दो शब्द हैं, हर आत्मा निस्वार्थ है और हर आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा निर्दोष है। अगर किसी को मैं नेगेटिव बोलता हूं वो पाप मेरे ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट क्लियर है, उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। वो गलती कर रहा है या ना कर रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उससे बैठकर बात करना वो ठीक है, पर किसी को पॉइंट आउट करना वो गलत है। तो उस समय में साक्षी हो जाओ। आइए सिस्टर फिर से खड़े होते हैं।
फटाफट फटाफट टाइम हाँ ड्रम दूसरा खिलाड़ी बदल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, साक्षी हो जाओ और चालू कर दो क्लैपिंग कर दो। Very good. गुड बैड वेरी गुड। क्या सीखा अभी? बाबा ने कहा अचानक होगा, एकाएक होगा, कभी कहकर नहीं आएगा। तो एक तो ये सीखा कि तैयारी रखनी है, बहुत काल का अभ्यास साक्षी दृष्टा का काम आएगा। कोई नेगेटिव नहीं था, किसी की गलती नहीं थी, ड्रामा अनुसार हुई। तो वो पॉजिटिविटी हमें मेंटेन रखना है। और दूसरा मैंने सीखा रेडी रहना है, एवर रेडी। हम लोग जब शिविर चलते थे कहाँ से सीखा, उस समय कोई स्पीकर नहीं आया तो दादी कहती थी चलो तुम कराओ, वहाँ से सीखे। कोई टाइम पर नहीं आया, शुरू करो। तो वो लेसन धीरे धीरे बहुत काल का अभ्यास काम में आया। हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। म्यूजिक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। पर मेरे अंदर का टैलेंट हमेशा तैयार रहे, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। अब कैसे बने? एक तो बहुत काल का अशरीरी का अभ्यास, विधेयी अवस्था प्रैक्टिस करते रहें। जहां मौका मिले, जिधर मौका मिले, अशरीरी हो जाऊं। कोई मेरे को अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे ना दिखाना है ना दिखना है, ना दिखाना है ना दिखना है, अपने को देखना है। खुद का एनालिसिस करता रहूं, खुद का एनालिसिस रोज करता हूं, चेक करता हूं,
कहाँ मिस्टेक थी उसको करेक्ट करना है। अपना एनालिसिस रोज करें कि आज मैं साक्षी था कि नहीं था। दूसरे के पार्ट को देखकर तकलीफ तो नहीं हुई, दूसरे को पार्ट को देखकर नेगेटिविटी तो नहीं आई, वो चेक करें। और चेक करके चेंज करना। तो पहली अवस्था है हमें अपनी अवस्था सतो प्रधान बनाना है। जितनी मेरी अवस्था सतो प्रधान बनेगी, प्योर बनेगी, मेरे संकल्प पावरफुल होंगे, मेरी साक्षी दृष्टा होगी। अगर मेरे को असर आ रहा है और ऐसा देखा गया कि सबसे ज़्यादा असर शरीर पर, शरीर की इम्यूनिटी पर, तब आता है जब हम इमोशनली अफेक्ट हो गए हैं। इसीलिए कभी भी इमोशनली मेरे को अफेक्ट नहीं होना है। मेरा थिंकिंग ब्रेन, इमोशनल ब्रेन साथ साथ काम करता रहे। आज बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है, लोगों का इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव हो गया है, थिंकिंग ब्रेन कम काम कर रहा है। हर चीज हाथ में आ गई है तो थिंकिंग ब्रेन काम ही नहीं करता, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करने लगा। टेक्नोलॉजी आ गई, लोग सेंसिटिव हो गए, फील ज़्यादा कर रहे हैं। माँ ने बच्ची को कहा अभी पढ़, मोबाइल बंद कर, बच्ची ने कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया, यहाँ तक हालत है। पार्किंग में पार्क कर रहे हैं, एक का दूसरे से झगड़ा हुआ, उसने उसको मार दिया, यहाँ तक लेवल आ गई है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कभी भी गले का यूज़ ज़्यादा ना करें, करना भी है प्यार से करें। जो भी मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको भी, जो कर रहे हैं कर रहे हैं, उनका खुद का रियलाइजेशन होगा तब वो सुधार आएगा। हमारे कहने से किसी का कोई सुधार नहीं होता, बाबा जब कराता है किसी का वो ऑटोमेटिक होता है। तो अपनी स्थिति को बढ़ाते रहें। दूसरा, नथिंग न्यू, इस ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा है, कोई नई चीज नहीं है। तीसरा, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के अटैचमेंट में नहीं आना है, चाहे कोई भी वस्तु या व्यक्ति। अगर मैं मोबाइल से भी अटैच हो गया हूँ और मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, कितना टेंशन होता, क्या हो रहा है। बाबा ने कहा साधन काम नहीं करेंगे, और कोरोना में मैंने देखा कि साधन सब जीरो पे थे, जीरो पे थे। वही सर्वाइव करे, वही अच्छे चले, उनको ही डिप्रेशन नहीं आया जो इंडिपेंडेंट थे, जो डिपेंडेंट नहीं थे। आखिर में वॉइसलेस ही वायरलेस होगा, कोई नेटवर्क काम नहीं करेगा, ये तो टेम्पररी है। सब टेक्नोलॉजी फेल्योर होगा, वो देख रहे हैं हम। तो इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस करें, खुद को साक्षी होकर देखें कि कहीं मैं कहीं अटैच तो नहीं, चाहे खाने की वस्तु पर, चाहे टेक्नोलॉजी पर, चाहे व्यक्ति पर, मैं खुद खड़ा हूँ कि नहीं।
जब मैं अंदर से इंडिपेंडेंट होऊंगा, आत्मा शक्तिशाली होगी, आत्मा पावरफुल होगी, और वही व्यक्ति आने वाले समय में सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। पैदल चल रहा हूँ, कई लोग कार में, दादी को देखता था, दादी जानकी जी को हमेशा क्लास कराने व्हील चेयर पर बैठकर आती थी। दादी से पूछा, आप कार में क्यों नहीं जा रहे? दादी ने कहा, मैं जब चेयर पर जाती हूँ, लोग मिलते हैं, लोगों से बात करती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब हेल्थ के लिए भी हम कह रहे हैं, रोज 10,000 कदम चलिए, जितना चलेंगे उतना ये हार्ट मजबूत होगा। जितना कार में जाएंगे बिना काम से, कहीं ना कहीं मैच हारेंगे। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी मैं एक शहर गया था, सिटी, और वहाँ मेरे को मंदिर दिखाने गए। हमें भी नहीं मालूम था, उनको भी नहीं मालूम था। रोपवे में बैठ गए, चले गए, और रोपवे जहाँ एंड हुआ, भीड़ ही भीड़, क्राउड ही क्राउड। मैं नाश्ता नहीं करता सुबह का, 4 घंटे तक चलते रहे भीड़ में, बिना पानी के, बिना नाश्ते के, आराम से 3 बजे वापस आए। जो मेरे साथ थे यंग लोग, वो लोग हलचल में आ गए। तो क्या काम आया? बहुत काल का अभ्यास कि कैसी भी नेगेटिव कंडीशन हो, वो व्यक्ति सर्वाइव करेगा। खाना मिला या ना मिला, वो सर्वाइव करेगा। इसीलिए हमें अपने विचारों को, संकल्पों को, इमोशन को देखते रहना है, कहाँ वो मेरे को पकड़ रहे हैं, उनसे डिटैच होना है। एक शेख फरीद बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया, उन्होंने शेख फरीद से पूछा, कई अच्छे लोग रहते हैं, उनको तकलीफ क्यों होती है? उन्होंने अच्छे कर्म किए, फिर भी उनको तकलीफ होती है, क्यों? शेख फरीद ने एक कच्चा नारियल मंगाया और उस व्यक्ति को बोला, इसके अंदर की गिरी को निकालो। नहीं निकली, क्योंकि कच्चा था। फिर एक पका नारियल मंगाया, बोला अब इसका निकालो, फटाफट निकल आया, क्योंकि पक गया था, जो चिपका हुआ था वो निकल गया था। शेख फरीद ने यही कहा, जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल हो जाता है, वो पके नारियल की तरह है, वो किनारा छोड़ चुका है, तो उसको कोई चीज का असर नहीं होता। तकलीफ भी है, बीमारी भी है, उसको खींचेगी नहीं, दर्द उसको खींचेगा नहीं। और यही हमने दादियों को देखा, पर्टिकुलरली दादी गुलजार जी का मुझे याद है। बॉम्बे में थी, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर देखने गए पहले दिन ही, तो दादी डॉक्टर से पूछ रही है, डॉक्टर आप कैसे हो? और डॉक्टर सोच रहे थे कि दादी कहेगी दर्द है, ये है, वो है, क्योंकि स्टेबल हो गए, दर्द सुख दुख इससे डिटैच हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव उससे डिटैच हो गए, उसमें स्टेबल हो गए। उसी को कहा जाता है इमोशनली स्टेबल। ये सबसे बड़ा अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, जहाँ भी गया मेरे पास डिमांड ये वाले टॉपिक की आई, इमोशनली स्टेबल कैसे हो। और व्यक्ति वहीं मैच हारता है। इसीलिए धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करना है
और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दो मिनट शांति से बैठते हैं।